हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में इन दोनों में कंपैरिजन करने वाले हैं। मैं इसका रिव्यू शेयर करने वाली हूं आपके साथ कि कौन सा ज्यादा बेस्ट है और कौन सा नहीं है। सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो गाइज, यहाँ पे मेरे पास है दो कॉम्पैक्ट, जिसमें कि एक है ब्लू हेवन का और एक है हिलेरी रोहड़ा यानी HR का कॉम्पैक्ट। वैसे मैं इनको बहुत टाइम यूज करने के बाद इनका रिव्यू शेयर कर रही हूँ, तो आज इस वीडियो में हम इनका कंपैरिजन करने वाले हैं कि कौन सा बेस्ट है और कौन सा नहीं, और आपको कौन सा परचेज करना चाहिए और कौन सा नहीं। तो गाइज, जिस तरीके की इनकी पैकेजिंग आती है, प्राइस की इनकी बात की जाए, तो यहाँ पे ब्लू हेवन का कॉम्पैक्ट हमें मिल जाता है 70 रुपीज में और HR का कॉम्पैक्ट हमें मिलता है 129 रुपीज। यहाँ पे इन दोनों की प्राइजेस मेंशन की गई है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं इनके प्राइस। और इस तरीके के इनके वेट की बात की जाए, तो इनका वेट, ब्लू हेवन का वेट आता है 20 ग्राम का और यहाँ पे HR का वेट आता है 24 ग्राम का। तो इस तरीके से इनका कंपेरिजन है। तो इनकी पैकेजिंग इस तरीके से आती है और यहाँ पे बैक साइड में देखा जाए तो ब्लू हेवन में यहाँ पे कहीं भी कोई भी इंग्रेडिएंट्स या इसकी डिटेल्स नहीं दी गई है, बस इसके प्राइस वगैरह यही मेंशन की गई है। और HR में यहाँ पे आपको पूरी डिटेल्स मिल जाती है कि इसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं और क्या क्या यूज़ किया गया है और इसकी क्लेम्स क्या क्या है, जैसे कि इसमें विटामिन ई इंग्रेडिएंट है और यह UVB UVA सारे प्रोटेक्शन हमें देता है। तो इस तरीके की सारी डिटेल्स हमें इसमें दी गई है। अब इनको अंदर से हम देख लेते हैं किस तरीके से मिलते हैं ये हमें। तो यहाँ पे इसको मैं ओपन करती हूँ, तो ये है ब्लू हेवन का कॉम्पैक्ट। तो इसकी बहुत ही क्यूट सी पैकेजिंग की गई है और बहुत ही अच्छा कलर दिया गया है इसके बॉक्स का। तो इस तरीके से यहाँ पे पीछे इसकी नॉर्मल सी डिटेल्स दी गई है, इसका एड्रेस और मैन्युफैक्चरर जो भी यहाँ पे है, और इस तरीके से इसकी यहाँ पे प्राइस लिखी गई है और यहाँ पे लिखा गया है मेड इन इंडिया। सो इस तरीके की इसकी नॉर्मल सी पैकेजिंग है। और यहाँ पे इसको हम ओपन करते हैं HR को, तो यहाँ पे इसकी पैकेजिंग हमें इस तरीके से मिल जाती है। तो इसकी भी बहुत सिंपल सी पैकेजिंग है, इसका रेड कलर है और इसका वाइट कलर मिल जाता है। इसमें शेड है मेरे पास 01। तो इस तरीके का ये कॉम्पैक्ट है। तो उनकी सेल्फ लाइफ की बात की जाए, तो यहाँ पे ब्लू हेवन की सेल्फ लाइफ है 3 ईयर्स और यहाँ पे HR की सेल्फ लाइफ मिल जाती है आपको 4 ईयर्स। तो आप इन दोनों को 3 ईयर और 4 ईयर दोनों को यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे इनकी सेल्फ लाइफ मिल जाती है। तो आप अंदर से इनको ओपन करके देखें तो ब्लू हेवन में आपको मिल जाता है एक मिरर और यहाँ पे इसमें आपको मिल जाता है ये स्पॉन लगाने के लिए। तो गाइज, मैंने इसको यूज़ कर लिया है तो ये थोड़ा सा डर्टी है, तो प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा। यहाँ पे इसकी शीट बहुत ही अच्छी दी गई है, इंडियन स्किन टोन्स के लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो अगर आपकी स्किन डार्कन है या फिर लाइटन है, तो दोनों तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सेम शेड इसमें मिल जाती है आपको, बट ये इंडियन स्किन टोन पे बहुत अच्छे से सूट होती है। तो यहाँ पे इसमें HR में हम देखते हैं तो यहाँ पे आपको इसमें मिरर नहीं मिलता है और बाकी आपको स्पॉन्ज मिल जाता है यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। और देखिए, इसे भी मैंने काफ़ी यूज़ कर लिया है तो ये भी खाली होने वाला है। तो यहाँ पे आपको एक शेड मिल जाती है मैट शेड और यहाँ पे आपको दूसरी शेड मिलती है शिमरी शेड। तो आपको शाइनिंग दिख रही होगी, इसमें थोड़े से शिमर्स पार्टिकल्स दिए गए हैं। तो इस तरीके से शिमरी शेड है इसमें और एक मैट शेड मिल जाती है। तो इसमें खास बात यह कि आप इसको दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आपको नॉर्मल मेकअप करना है तो आप इस तरीके से इस मैट शेड को यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपको पार्टी वेयर या हैवी लुक करना है, नाइट के लिए मेकअप करना है, तो आप ये शिमरी शेड भी यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, अब इसको मैं अपने हाथों पे अप्लाई करके दिखाती हूँ कि आपको कौन सी शीट ज़्यादा बेस्ट है और कौन सा आप परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ब्लू हेवन को अप्लाई करूँगी अपने हाथ पे इस तरीके से। तो यहाँ पे इसका टेक्सचर बिल्कुल लाइट सा लगता है, यहाँ पे बिल्कुल लाइट टेक्सचर है इसका। यहाँ पे मैंने अप्लाई कर लिया है और इसकी शेड बिल्कुल नेचुरल है। तो आप जैसे लाइट कवरेज चाहिए आपको या फिर नॉर्मल सा सिंपल सा सेटल सा मेकअप करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके लिए बहुत अच्छा कॉम्पैक्ट है। तो इस तरीके से बिल्कुल कवरेज नहीं दिया इसने मुझे ज़्यादा, इसको नॉर्मल टेक्सचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे HR का कॉम्पैक्ट यूज़ करके दिखाती हूँ आपको। तो इस तरीके से मैंने इसको लिया और अपने हाथ पे अप्लाई करती हूँ। तो देखिए, इसकी शीट बहुत ही ज़्यादा वाइटिश है, बहुत ही वाइट लगता है ये उसको अप्लाई करने पर अपने फेस पर। वैसे ही कैमरा में ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, रियल में इतना नहीं लगता है, नेचुरल सा है ये भी। तो सेटल हो जाता है मेकअप के बाद, बट ये कवरेज काफ़ी अच्छा देता है। तो आपको ज़्यादा हैवी मेकअप करना है या फिर कहीं पार्टी वियर आपको लुक करना है तो आप इसके लिए इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा कवरेज देगी आपको और थोड़ा हैवी लुक देगा, और ये नेचुरल सा सेटल सा लुक लग रहा है। आप दोनों में कंपेरिजन देख सकते हैं खुद।
तो वैसे आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, दोनों ही कॉम्पैक्ट बहुत अच्छे हैं। बट मैं मोस्टली यहाँ पे रिकमेंड करूंगी आपको कि आप ब्लू हेवन का कॉम्पैक्ट ले सकते हैं इजीली। यहाँ पे प्राइस देखी जाए तो प्राइस भी इसकी बहुत कम है और टेक्सचर भी काफी अच्छा है, स्मूथ है, नॉर्मल है और शेड भी इसकी काफी अच्छी दी गई है। सो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो इसी तरीके के हॉल रिव्यूज एंड फैशन से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में बेल आइकन है उसे जरूर से हिट कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।